فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فضل رب الأولى और क्या चाहिए फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए हाज़रीन व सामईन सरे शाम से अब तक आप हज़रात बैठे हैं स्टेज पर बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है मैं सबों का नाम तो नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं सब के सब आशिक़े रसूल बैठे हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यही होनी चाहिए हम ज़मींदार होने पे फ़ख्र नहीं करते हैं हम दुकानदार होने पे फ़ख्र नहीं करते हैं हम मकान वाला होने पे फ़ख्र नहीं करते हैं एक मुसलमान फ़ख्र करता है तो आशिक़े रसूल होने पे फ़ख्र करता है मुस्तफ़ा का ग़ुलाम होने पे फ़ख्र करता है यकीनन आप और हम खुश नसीब हैं ऐसी महफिल में आकर बैठे हैं ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है बल्कि जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है अगर कोई ऐसी महफिल में नहीं आता है और वो घर में बैठकर ये समझता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ हकीकत में उसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलाया ही नहीं है ऐसी महफिल में वही आता है क्यों महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है आप और हम खुश नसीब हैं ऐसी महफिल में बैठे गए भाई जनाब रियाज मोहम्मद शेख साहब और शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग सब हैं मैं सबों का नाम नहीं जानता कुछ देर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कर लें गुफ्तगू सुनने का मतलब होता है इस्लाम हमें पैगाम क्या देता है हम जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं हुजूर जो दुनिया में तशरीफ़ लाए आखिर 40 साल तक हुजूर खामोश रहे सिर्फ 23 साल बोले हुजूर इस 23 साल बोलने का तेवर ये रहा बोलने की बरकत ये रही कि पूरी दुनिया में इस्लाम छा गया पूरी दुनिया के लोग आज इस्लाम को फॉलो करने पे मजबूर हो रहे हैं इस्लाम किसी और का लाया हुआ मजहब नहीं है इस्लाम सबसे बड़े अकलमंद का लाया हुआ मजहब है इस्लाम एक सच्चा दीन है इस्लाम एक मानवता का मजहब है इस्लाम एक इंसानियत का मजहब है इस वजह से आपसे मैं गुजारिश करूंगा जितनी देर मेरी बातें आप समाप्त करें मोहब्बत के साथ समाप्त करें आज मैं आपको बताऊंगा लोग जो कहते हैं कि इस्लाम को मानव इस्लाम मानवता नहीं सिखाता
इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता। यकीनन आपको समझ में आएगा कि हुजूर ने पैगाम क्या दिया है। आज भी अगर कोई हुजूर की सीरत को पढ़ लेगा तो मेरा यकीन कहता है वो कलमा पढ़ेगा और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि इस्लाम को वो समझे, मजहब इस्लाम को वो पढ़े, हुजूर की सीरत को वो पढ़े। हम सब आशिके रसूल हैं और गुलामे मुस्तफा हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सारे खर्चे आप करते हो, ये सारी रकम आप खर्च करते हो, ये सारी बहारें अगर हैं तो हुजूर के सदके में है। ये जितनी रौनक आप देख रहे हैं ये हुजूर के सदके में गए, ये जमीन हुजूर के सदके में गए, ये आसमान हुजूर के सदके में गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, सब नजारे हुजूर आप के गए, सब नजारे हुजूर आप के गए, चांद तारे हुजूर आप के गए, चांद तारे। याद रखना लोगों, सबसे पहला पैगाम मोइनुद्दीन कादरी देना चाहेगा। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको सरवत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है। आप हुजूर की जीवनी को पढ़ते हो, हुजूर की सीरत को पढ़ते हो, मुस्तफा के नाम की महफिल सजाते हो। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूंगा, कभी अगर फुर्सत हो जाए अपने काम काज से निकलकर कभी हुजूर का शहर मदीना देखकर आ जाओ। क्योंकि लोगों, जब आप मदीना शरीफ पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा, जब हुजूर का शहर मदीना ये मोहब्बतों वाला शहर इतना खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। जब हुजूर का शहर इतना मुबारक है, हुजूर की जिंदगी कितनी मुबारक रही होगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी अगर फुर्सत मिले आप जाकर हुजूर के गुंबदे खदरा को देखकर आ जाओ। लेकिन हालत ये हो गई है, आज अगर लोगों के पास पैसे आ जाएं, दौलतमंद हो जाए, आदमी लाल किला देखने को दिल्ली जाता है, ताजमहल देखने जाता है आगरा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ बहनों तुम भी कसीर तादाद में आई हो, सुनो सुनो, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए तो उनकी गुरबत पे सब्र कर लेना, बेजा फरमाइश न करना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, हमें आपसे बनारसी साड़ियां न चाहिए, आपसे कीमती सूट नहीं चाहिए, आपसे हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, कंगन और पाजेब नहीं चाहिए, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, आप अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कंगन पाजेब ना दो, मैं कुछ ना बोलूंगी, हमें बनारसी साड़ी सूट ना दो, मैं कुछ ना बोलूंगी। अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ ना दिखाओ, अगर दिखाना चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा दिखा कर लाओ। क्योंकि हमने सुना है, जो एक बार हुजूर के गुंबदे खजरा को देख ले तो वो वापस आकर यही गुनगुनाते गए, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत अता फरमाया है, कोई खामोश ना रहे। आपको अल्लाह ने जबान दिया है, बोलने की ताकत अता फरमाया है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है लेकिन पकड़ने की हाथ में ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने पांव दिया है लेकिन पांव में चलने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जबान दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन हम और आप हैं, अल्लाह ने पांव दिया है तो पांव में चलने की ताकत भी दिया है, हाथ दिया है हाथ में पकड़ने की ताकत भी दिया है, जबान दिया है जबान से बोलने की ताकत भी दिया है। इसलिए हम किसके नाम पर बोलेंगे? मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर बोलेंगे। एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा जितने मर्द बैठे हैं, औरतें ना उठाएं, जितने मर्द बैठे हैं एक बार हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मरहबा। जरा सुनना लोगों, मैंने जो शेर पढ़ा है आप मेरा जहन बनाओ, मेरी गुफ्तगू होती है भागवत गीता और रामायण, और जो हमारे यहाँ आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मोइनुद्दीन कादरी जो बातें बोलेगा आपको हवाला के साथ समझाएगा। आप पहले वो शेर सुन लो जो शेर मैं पढ़ रहा था। फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा। बोलो 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 बोलो, गुंबद खजरा की जियारत करो। जब तस्वीर में गुंबद खजरा इतनी खूबसूरत है तो फिर आप हकीकत में जाकर देखो दुगे तो कितना खूबसूरत नजर आएगा। यकीनन फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबद खजरा। अच्छा मैं तकरीर अब शुरू करूं? अरे शुरू करूं। देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। आज जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है, हुजूर इस्लाम लेकर आए, हुजूर मजहब इस्लाम को लोगों के दरमियान आम करते गए, और लोगों को हुजूर ने बताया कि लोगों सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, सबसे मानवता का पाठ पढ़ाने वाला कोई मजहब है वो मजहब इस्लाम है। लेकिन आज कुछ लोग इस्लाम की खूबसूरती को समझते नहीं है, इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं। मैं उनसे बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मेरे भाई आप हुजूर की जीवनी को पढ़ो। आज लोग क्या करते हैं, किसी शराब पीने वाले को देखा वो ये समझते हैं यही इस्लाम है, किसी जुआ खेलने वाले को देखा लोग ये समझते हैं यही इस्लाम का पैगाम है। नहीं प्यारे, इस्लाम का पैगाम वो नहीं है। इस्लाम का पैगाम, अगर इस्लाम की खूबसूरती को देखना चाहते हो, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। मखदूम सिमना की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। आला हजरत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। बुजुर्गों की सीरत को पढ़ते जाओगे, इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे। इस्लाम बड़ा अच्छा दर्श देता है, इस्लाम मानवता का कैसा पैगाम देता है। मैं सबसे पहले एक मंत्र पढ़ देता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो बोलो पढ़ दूं, किताब उसकी है। देखो हुजूर का तज़किरा कहां कहां नहीं मौजूद है, अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो दूसरे
दूसरों पे से भी अपने महबूब की तारीफें करवा लिया करता है। देखो मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, पेज नंबर है 23, लिखा है अधर्मा भी भवत् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वाणश्रेणी जायते वर्ण शंकर गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लम्लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सुभान अल्लाह। और वो पंडित कहता है लोगों हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला आदर है मिला सम्मान मिला है हृदय से तुमरे है आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी विनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चले गए मंडल मंडल संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और आगे कलम उठाता गए पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यर चार मागा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। ज़बान दूसरे की है लेकिन तारीफ मदीने वाले मुस्तफा की है। मैं आपसे इस जगह ठहर के कहना चाहूंगा आज लोग कहते हैं इनके जलसों से लोगों को भड़काया जाता है। लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ हमारे जलसों में आकर तो देखो हम मुस्तफा की सीरत के जलसों से हम मुस्तफा के जश्न ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम से हम ये पैगाम देते हैं। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम तो अमन का पैगाम देते हैं, हम तो चैन का पैगाम देते हैं, सुकून का पैगाम देते हैं। हम तो ऐसे जलसों से भी कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ऐसी महफिल से पैगाम देते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ करो आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम तो यहां से पैगाम मोहब्बत का देते हैं। और लोग कहते हैं कि मुसलमान मोहब्बत नहीं करता, भाई हम तो कहते हैं ना तो अमेरिका अच्छा ना तो चाइना अच्छा ना तो जापान अच्छा ना तो न्यूजीलैंड अच्छा बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। हम तो पैगाम देते गए अमन का, लेकिन याद रखो मुसलमान किसी चीज पे नहीं भड़कता है। मुसलमानों को गालियां दो मैं खुद कहता हूं हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चों से पूछो वो कहेंगे हमको गालियां देनी है दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान
शैतान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर तूने अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो फिर याद रखना हम ये दौलत क्या अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। और हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है।